नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि सुबह उठकर क्या देखना चाहिए जिससे हमारा दिन शुभ हो। अधिकतर कहा जाता है कि अरे पता नहीं आज किसका चेहरा देख लिया, पूरा दिन खराब चला गया। अरे पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, खाने के दर्शन नहीं हुए। कई बोलते हैं कि ये संवाद चलता ही रहता है, अरे यार आज पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, इतना दिन अच्छा गया। तो ये सब चीज़ शास्त्र में क्या है, क्या सच में ये चीज़ें होती हैं? अब कुछ चीज़ों को तो हम साइंटिफिक नहीं समझा सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथ निघंटु में या चर्या चरित्र में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि 8 ऐसी मांगलिक वस्तुएं हैं जिनको हमको सुबह देखना चाहिए। अगर मान लो वो चीज़ 8 में से कुछ चीज़ कम है तो हम उसका फोटो लगा लें। जैसे उदाहरण कि हमारे पास राजा नहीं देखने को मिलेगा तो हम राजा का फोटो लगा लें। और कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, आपको मैं पढ़ के ही सुनाती हूँ। पहले नंबर पे आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो पता नहीं सुबह अपने को देखने को मिले या ना मिले, तो ब्राह्मण का फोटो लगा लें। गाय का फोटो लगा लें, दर्शन करें तो बहुत अच्छा है। फिर अग्नि यानी हवन का फोटो होना चाहिए। गोल्ड यानी सोना, तो वो तो आप हम रख ही सकते हैं, थोड़ा बहुत उठते से दर्शन कर सकते हैं। देसी घी, घी का आपको दर्शन करना है सुबह। सूर्य, सूर्य को तो जल चढ़ाते हैं, अगर सुबह लेट उठते हैं तो आप सूर्य का फोटो लगा लें। और जल, जल का कलश तो आपको रखना ही चाहिए सिरहाने। और राजा, तो राजा का एक तस्वीर लगा लें। और ये सब चीज़ें आप 8 चीज़ें रख लें अपने पास और इनको सुबह उठते से ही आप इनके दर्शन करें। और हम वैद्य लोग क्या करते हैं, जब भी मैं किसी सीरियस पेशेंट को देखने जाती हूँ जिनको बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब ये जीवित नहीं बचेंगे, आप कोई इलाज लाइलाज बीमारी है और किसी वैद्य को ही बताएं, जब मैं जाती हूँ किसी विजिट पर तो घर से निकलते ही शुभ अशुभ के संकेत देखकर निकलती हूँ। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत अच्छा वर्णन लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ शुभ होती है। जैसे अगर हमें सफाई कर्मचारी दिखता है, महिला दिखती है सुहागन, बहुत शुभ मानते हैं। पानी का कलश लेकर कोई आता है या दूध की टंकी लेकर आता है, ये गाय दिखती है, ये बहुत शुभ मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम विजिट करने गए और कई चीज़ ऐसे हमको दिख गई तो मन में थोड़े से भाव आते हैं। ये शास्त्रों में लिखा है, मैं शास्त्रों की ही बात करती हूँ, हमेशा बात करती हूँ कि शास्त्रों में क्या लिखा है। अब ये चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आप देखें पुराने राजा महाराजाओं के महलों में जब इंटर करते थे, राजा जीत कर आते थे या कहीं जाते थे तो ये वहाँ पर कुछ ऐसे शुभ अशुभ संकेत होते थे। जैनियों में भी आज ये चलता है कि जैसे आप भोजन करने के लिए जैन मुनि निकलते हैं तो वो आड़ी लेके निकलते हैं कि ये दिखेगा तो ही खाना खाएंगे। शुभ अशुभ के संकेत हम लोग बहुत मानते हैं और इसका प्रभाव होता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि कई चीज़ मैं साइंटिफिक नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन होता है। अब क्या होता है, कई बार हमको भी जैसे कई बोलती हैं कि अरे ये लाड़ी का तो जब से पैर पड़ा घर में तो सब बुरा ही बुरा हुआ। ये बात मैंने भी मेरे विवाह के बाद, जिसको घरेलू हिंसा के अंतर्गत, बहुत सहन की कि अरे इनका पैर अच्छा नहीं आया और सब नुकसान हो गया और सब खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इस तरह के जो दुखद वाक्य हैं मेरे जीवन में भी बहुत रहे हैं। लेकिन मैं बताती हूँ कि कई बार तो मैं अपने रोगी के साथ झूठ बोलती हूँ। कैसे कि कई सास बहू आ रही है, बहू बहुत दुखी है और सास उसकी बहुत बुराई कर रही है, तो मैं बहू को अपने केबिन से बाहर करती हूँ और सास को समझाती हूँ कि देखो तू लाड़ी को मैंने इसीलिए बाहर की, यानी बहू को, कि वो घमंड में नहीं आ जाए, लेकिन तुम्हारी बहू बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और किस्मत वाली है। ये जब जब दुखी होएगी, जब जब तुम्हें आर्थिक हानि पहुँचेगी, तो उसकी सास बोलती है हाँ या तो बात तुम सही बोली, मतलब मालवी में बोलती है कि ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली, ये जद जद रोई तद तद मारा तो नुकसान हुए हो। मैंने बोली कि मैंने जब जब इस ये रोई है तो मुझे आर्थिक नुकसान हुआ है। मेरा झूठ इतना काम कर जाता है कभी कभी इस मामले में, तो बहू का भी जीवन सुखी और सास का भी जीवन सुखी। तो शुभ अशुभ के संकेत को आप माने, एक या किसी को अपशगुन ही ना माने। एक टीवी में एड आती है एक साबुन की, वो बोलती है कि फलाने का चेहरा मेरे लिए लकी है, मतलब सब क्या अनलकी हैं दूसरे लोग। ये भावनाएं नहीं होना चाहिए। ये भावना है कि आज पता नहीं, मैंने वर्तमान में जो मैं देखती हूँ, मैं समाज से बहुत जुड़ी हुई हूँ,
कई महिलाओं को घर में इतना ज़्यादा मानसिक ताने सुनने को मिलते हैं कि कई बार वो सुसाइड कर लेती है, होता है, बिल्कुल हकीकत बात कर रही हूँ मैं। उसको इतना तंग किया जाता है तानों से, पता नहीं किस किस तरह से मन को दुखाते हैं। कभी भी किसी के मन को ना दुखाएं, कोई लकी अनलकी इस तरह से नहीं होता है। मैंने शुभ अशुभ बोली हूँ, लकी और अनलकी नहीं बोली। लकी कोई नहीं होता है, अनलकी कोई नहीं होता है, बस हमारे नेचर पे और हमारे सोच पर है। जिस तरह से हमारे विचार रहेंगे उसी पर हमारा दिनचर्या बनेगी। मैंने बताया कि मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। कई बार कई व्यक्ति उस चीज़ को दिमाग में लॉक कर लेते हैं कि नहीं ये बात हुआ तो ये होना ही है। बहुत प्रयास के बाद उनके दिमाग से वो फोबिया या वो डर या वो गलत फहमी निकाल पाती हूँ। आपसे भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से है कि किसी को भी अनलकी ना कहें। मैं देखती हूँ परिवार में बहुत ये बात होती है कि ये बच्चा लकी है, ये अनलकी है, तिरस्कार करते हैं छोटे छोटे से बच्चों का भी। अरे इसके आने से तो हमारे घर में खूब अच्छा हुआ। ये शब्द, ये डायलॉग, ये विचार, ये हटा दीजिए। ये सब चीज़ें मानसिक पीड़ा पहुंचाते हैं, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है कि सुबह उठकर इतनी चीज़ों के दर्शन करना है, 8 चीज़ों के, वो करें बस। फिर आप किसी को क्लेम नहीं दोगे कि ये चीज़ अच्छी है, कि ये चीज़ ये जरूर करें जो मैंने 8 मांगलिक वस्तु बताई है। कुछ तो आपको भौतिक रूप में मिल जाएगी, कुछ आपको फोटो लगाना है, ये करें। और मैं यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। भगवान धन्वंतरी आपको खूब ढेर सारा आशीर्वाद दें, सदैव निरोगी रखें और किसी का मन ना दुखाएं, चाहे वो जानवर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या दुश्मन भी हो। आत्मा को ठेस मत पहुंचाएं, कुछ ऐसे शब्द ना बोलिए। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि बने, एक करे घाव। इसलिए शब्द को बहुत संभल कर बोलिए। यही मेरी आज आपको बोलने की बात है। बस नमस्कार।